अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिरयानी की रेसिपी, वो भी ख़ास तय वाली बिरयानी की रेसिपी, लेयरिंग बिरयानी जिसे कहते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही ख़ास है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि किस तरह से पकवान सेंटर पर तय वाली बिरयानी तैयार की जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसमें हमने जो हमारा कोरमा है वो अलग तैयार करना है, राइस को अलग तैयार करना है, इसलिए हमने सबसे पहले 1 किलो घी लिया, जिसमें हमने 2 किलो प्याज को ग्राइंड कर इसमें शामिल कर दिया है। हम प्याज को ब्राउन करेंगे, इसका पानी खुशक करेंगे, और इसके बाद हम इसमें दूसरा मसाला ज़्यादा तैयार कर इसके डाल देंगे, अदरक लहसुन टमाटर सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन 1 पाव, सब्ज़ मिर्च 1 पाव, और जो है टमाटर 1 किलो। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना जैसे हम कोरमे करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा करके पानी खुशक करके हमने मसाला जात शामिल कर देने। इस तरह से हमने फिर इसमें मसाला जात शामिल करके इसको हलाना है अच्छे से, और साथ ही हमने दूसरी देग में या किसी भी बर्तन में हमने अपने राइस तैयार करने हैं, इसमें हम इसका पानी पूरा करेंगे। पानी में हमने 15 लीटर पानी डालते हैं 12 किलो में, जैसा कि आपको पता है, तो हमने इसमें 13 लीटर पानी डालना है बीज और शामिल दो करना है। किलो इस तरह से इसकी 15 लीटर मकदार पूरी हो जाएगी, और इसमें हमने गरम मसाला 1/2 पाव, तेज़पात बादिया कतई, चाइना नमक 1/2 पाव शामिल करना है, बादिया कतई 50 ग्राम, तेज़पात 10 से 20 ग्राम, और इसमें हमने जो चावलों का पानी है उसमें दादर मिर्ची इस्तेमाल करनी है तकरीबन 20 ग्राम। ये कोरमे में हम दही शामिल कर रहे हैं, ये हमने इसमें 2 किलो दही शामिल करना है। इसमें हमने हल्दी 100 ग्राम डालनी है, ये हम हल्दी अपनी शामिल कर रहे हैं, और इसमें भी हम दड़ा मिर्च इस्तेमाल करेंगे, ये भी 100 ग्राम है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें जो नमक हमने इस्तेमाल करना है वो तकरीबन 40-50 ग्राम इसमें हमने इस्तेमाल करना है। चावलों में 500 ग्राम पूरा इस्तेमाल करते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करने से इसे पकने देना है। इसे हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, इसे सिर्फ इतना सा तैयार करना है कि जब ये घी छोड़ दे हमने इसे नीचे उतार देना है। ये देख सकते हैं अभी तैयार होने के करीब आ रहा है, इसी तरह से हम इसे पकने देंगे, चंद मिनटों में ये तैयार हो जाएगा, इसे पकने देना है। हम आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं, और इसमें हमने कलर भी शामिल करना है, ज़रदा कलर हमने इसमें शामिल करना है। तकरीबन हमने इसमें ना 50 ग्राम कलर इसमें ऐड किया है, इसमें ज़्यादा कलर ऐड करते हैं, ज़रदा कलर ऐड कर देना है। इस तरह से मसाले को तैयार कर लेना है, मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, तो अब हमने इसे नीचे उतार लिए, इसे बहुत ज़्यादा खुशक नहीं करते, जब बस जब ये घी छोड़ दे तो नीचे उतार लेते हैं। हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया था, हमने इसे नीचे उतार लिया, और अब हमने अपनी दूसरी देग चढ़ा दी है, जिसमें हमने राइस, इसमें हमने 1.5 किलो हमने घी इस्तेमाल किया, 1.5 किलो इसमें इस्तेमाल किया, 1 किलो कोरमे में इस्तेमाल किया, और इसमें दूसरे अज्जा जैसा कि आपको बताया, चाइना नमक गर्म मसाला, और पानी बॉयल होने पर हम इसमें राइस डाल देंगे जैसे हम दूसरे बिरयानी में डालते हैं। और राइस डालने के बाद हम इसका नमक चेक कर लेंगे, नमक हमने इसमें पूरा नमक रखना है, सिर्फ मिर्चों की मकदार कम होती है, और इसमें हमने कोई दूसरा मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करने, सिर्फ जो हमने आपको बताया है इमली इसमें शामिल होती है वो हमने इसमें ऐड कर दी, 1 पाव इमली ऐड की। इस तरह से हमने अपने चावल डालने के बाद इसे हलाना है, हलाने के बाद हम इस पर ऊपर परात दे देंगे, चंद मिनटों के लिए पकने देंगे, पकने के बाद फिर हलाएंगे, जिस तरह से हम दूसरा राइस तैयार कर दें। ये तय वाली बिरयानी के लिए राइस तैयार करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो बॉयल कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसमें टेस्ट अच्छा आता है, चावल अपना नमक अच्छे से जज्ब करते हैं। इस तरह से दोबारा पकने की सूरत में हम दोबारा इसे मिक्स करेंगे, हलाएंगे, और इसमें हमने बिरयानी मसाला नहीं ऐड करना, ये बात बहुत से याद रखें, इसमें बिरयानी मसाला नहीं ऐड करते। इस तरह से इसे हलाना है, हलाने के बाद फिर इसके ऊपर परात देनी है, और परात देने के चंद मिनटों के बाद हम फिर दोबारा देखेंगे, जब ये पकना शुरू हो जाएगा फिर हम इसे हलाएंगे। ये देख सकते हैं जिस तरह से हम हला रहे हैं, जैसे बाकी बिरयानी तैयार करते हैं इसी तरह से इसे करना है, और इस तरह से इसे करने के बाद हम इसे दम लगा देंगे, और दम भी जैसे दूसरी बिरयानी वगैरह को लगाते हैं 15 से 20 मिनट का, इसी तरह से इसे दम लगा देना है, कपड़े के साथ ऊपर वज़न रख दे, ज़्यादा बेस्ट होता है, किसी भी चीज़ का वज़न रख दे। अब हम इसे नीचे उतार कर इसके साइडों पर भी कोयला लगा देंगे, और इसकी स्टीम खारिज होनी चाहिए ताकि अच्छे से दम लगे। ये हमने दम लगा दिया है, और ये हमने अब दोबारा मसाले वाली देग को ऊपर रख दिया, मसाला हमारा तैयार था, चिकन ऐड कर दिया, चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे मिक्स करने के बाद तैयारी के लिए छोड़ देंगे।
इस तरह से चिकन को अच्छे से पकने देना है। ये देख सकते हैं स्टीम की वजह से शायद आपको ना नज़र आए, चिकन हमारा पकना शुरू हो चुका है। और इस तरह से हमने अपना कोरमे को तैयार करना है। और अब हम इसमें जो आलू बुखारा शामिल कर दें, आधा पाव आलू बुखारा हमने इसमें शामिल कर देना है, ये कोरमे में शामिल करते हैं। ये हम इसे हिलाएंगे और इसे पकने देंगे। इसे कोरमे वाली कंडीशन में अच्छे अच्छे तरह से हमने पका लेना, जिस तरह से कोरमा तैयार करते हैं बिल्कुल कोरमे वाली कंडीशन। लेकिन इसमें क्या होता है, मिर्चें जो होती हैं वो चावलों वाली ऐड की होती हैं, राइस की मिर्च भी इसमें ऐड की होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा तेज़ मिर्ची होती है, इसलिए ये कोरमा नहीं होता, लेकिन कोरमे की तरह हमने इसे तैयार करना होता है। ये देख सकते हैं हम चम्मच के ऊपर उठा कर ये कोरमे की शेप में आना शुरू हो चुका है। इस तरह से हम इसे, और इसमें हम बाकी इसके मसाला जात भी शामिल करेंगे। पिसा धनिया हमने इसमें शामिल कर रहे हैं, पिसा धनिया हम इसमें 80 से 100 ग्राम ऐड करेंगे। 80 से 100 ग्राम पिसा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे लाएंगे इसमें। और जो हमारे बिरयानी के मसाले हैं, बिरयानी मसाला 2 डिब्बे हम इसमें वो शामिल करेंगे, और 1 कोरमे का पैकेट हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 3 हमने इसमें शामिल करने, ये 2 बिरयानी के और 1 कोरमे का, ये ख्याल रखना है आपने ज़रूर। ये देखिए भी 2 बिरयानी के हमने ऐड किए और 1 हम कोरमे का भी ऐड कर रहे हैं, ये हमने इसमें ऐड करना। इसमें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते, ना डिब्बे वाली क्रीम इस्तेमाल करते हैं ना फ्रेश क्रीम, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए वो नहीं इस्तेमाल करते। इसे इस तरह से हमने इसे शामिल करने के बाद हिलाना है और इसकी तैयारी का इंतज़ार करना है। जब हमारा लेग लेग पीस जो होगा वो अच्छे से सुखड़ जाएगा और पता चल जाए कि हमारा चिकन अच्छे से तैयार हो चुका है, तो हम इसे नीचे उतार लेंगे। और ये देख सकते हैं अब हमारा चिकन तैयार हो चुका है, इसने घी वगैरह भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस पर इसको कोयले पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमने अपने राइस दम पर लगाए थे वो हम अब उसका दम उतार देंगे, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, और जो हमारा ये कोरमा था ये हम किसी ना अलग बर्तन में, बेस्ट तो है आप तीसरे बर्तन में ना मिक्स करें, लेकिन अगर आपके पास ना मौजूद हो, जिस तरह से हम इसे किसी टब में निकाल रहे हैं, इस तरह से कोरमे को नीचे से अच्छे अच्छे तरीके से निकाल लेना। जैसे हमने निकाला, नीचे राइस की एक लेयर लगा देनी है, क्योंकि नीचे मसाला लगा होता है इसलिए नीचे कोरमा छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप राइस वाली देग में लगाएं तो आप लेयर कम लगाएंगे, इसमें आप लेयर ज़्यादा लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ज़्यादा राइस डाल देनी है। इसके ऊपर हमने जो है पुदीना कटा हुआ पुदीना शामिल करना है, हम इसके ऊपर पुदीना डालेंगे। और साथ हम इसमें पिसा धनिया, और खुशबू के लिए हमने पिसा धनिया जो है वो इसके ऊपर लगाया, और धनिया लगाया है, और सॉरी पुदीना लगाया है, फ्रेश पुदीना हमने इसके ऊपर लगा दिया। और अब हम इसके ऊपर कोरमे की लेयर लगा देंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर कोरमे की लेयर लगा देनी है। इसी तरह से हमने लेयर लगाते हुए तमाम राइस की और कोरमे की लेयर लगा देनी है। सारे कोरमा थोड़ा थोड़ा डालते हैं, इसका मसाला थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी रखते हैं। अगर ग्रेवी कम लग रही हो तो हम इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, अगर दही आपके पास मौजूद हो तो आप दोबारा दही इसमें मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसमें शामिल कर देना है, इसको लेयर लगानी है अच्छे से। लेयर लगाते वक्त ख़ास ख्याल रखना है कि जो कोरमा है वो हर साइड पर एक जैसा आना चाहिए, साथ पुदीना और हम इस पीस धनिया का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से करते हुए हमने सारी लेयर लगा लेनी है सारे राइस की। ये देख सकते हैं हमने सारे अच्छे से लेयर लगा रहे हैं, जिस साइड पर कोरमा नहीं पहुंच रहा उस साइड पर कोरमा भी लगा रहे हैं, और राइस भी अपने सारे बराबर मकदार में हर साइड पर लगा रहे हैं। इस तरह से करना है और सारे लगा लेना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम क्योंकि तमाम तो रेसिपी कमर्शियल लेवल की शेयर करते हैं। और बाद में हम इसके ऊपर कलर लगा देंगे, रेड कलर लगा देंगे। हमें कलर थोड़ा अच्छा नहीं मिला था, ये कलर का रंग इतना तेज़ नहीं है, लेकिन कलर अच्छा मिलना चाहिए। कलर इसके ऊपर लगा देंगे और इसे फिर हम 2-4 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे, ताकि कलर अच्छे से पक जाए। और इसके बाद हम इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे, और ये अब हमारी रेसिपी मुकम्मल तैयार है। और ये आप देख सकते हैं कलर भी कितना प्यारा है और शेप भी कितनी प्यारी आ चुकी है। इस तरह से मिक्स करेंगे,
जो हमने कलर लगाया था ज़रदा, वो सारे राइस में मिक्स हो जाएगा। और हमारी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी रेसिपी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। हमारी रेसिपी कमर्शियल लेवल के पकवान सेंटर की होती है। अल्लाह।